रजब भट्ट और डकी भाई की लड़ाई पार्ट टू। रजब भट्ट और हैदर बातें करते हुए जा रहे थे। यार हैदर, तुझे पता है डकी भाई और मेरी फाइट वाली वीडियो लोगों ने बहुत पसंद की है यार। ते की पब्लिक ये चाहती है कि तुसी लड़ते रहो हमेशा। हाँ यार, लोग तो एंजॉय करते हैं हमारी लड़ाई को, लेकिन माँ जी के डर से मैं तो कभी दोबारा ना लड़ू भाई। तौबा तौबा मेरी, माँ जी भी फिर कुछ नहीं सुनती, ब्रदर फादर एक कर देती हैं। वो लोग बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक एक उड़ती हुई क्रिकेट बॉल रजब भट्ट को आ लगी। अरे ये कौन बदतमीज है? रजब भट्ट ने पीछे मुड़कर देखा तो डक्की भाई हाथ में बैट लिए खड़े थे और साथ में असद भी था। हाय 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 हाय, मजा आ गया ये सीन देखकर भाई। मैं तो ऐसे ही परेशान हो गया था कि किसको बॉल लगी होगी भाई। हाय 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 हाय, मजा आ गया। बट कहते हैं खुदा गंजे को नाखून न दे, इसी तरह किसी अंधे को बैट न दे। अबे अंधा तो तू है भाई, जिसे ये नहीं पता कि बॉल आ रही है तो पीछे हट जाऊं भाई। चलो जी, ये भी अच्छा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यार बट छोड़ इन्हां नु, चूहों के साथ क्या लड़ना। तो याद है ना, एक चूहे ने शेर को तिगरी का नाच नचवाया था भाई। ओए डड्डू चार्जर, तेरा तो इस बार मैं इलाज करके ही रहूंगा। ओ चलो, मैं तो डड्डू चार्जर हूँ, अपनी शक्ल देखी है, जैसे फटा हुआ चॉपर। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया उस्ताद। ओए वट पाण वाली स्त्री, तेरे उस्ताद की सारी उस्तादी निकाल देनी है मैंने इस बार। ओए इससे पहले डक्की भाई कोई जवाब देता, असद बोला, अबे यार छोड़ इनको, मैच खेलते हैं जाकर, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। असद डक्की भाई को वहाँ से ले गया, जबकि रजब ने हैदर से कहा, ओए शुरली, क्या करना है अब इनका, बदला लेने का कोई ऐसा तरीका बताओ कि चस आ जाए। यार बट गुस्सा ठंडा करो, अगर माँ जी को पता लग गया ना कि तेरी बैंड बजा देनी है ना। अरे पागल, मम्मा को कौन बताएगा। आइडिया, मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आ गया। रजब ने अपना आइडिया हैदर को बताया। हैदर रजब से आइडिया सुनने के बाद बोला, क्या कमालदा आइडिया सोचा यार तू ते। The next day. रजब गाड़ी लेकर घर से निकला। रास्ते में उसने हैदर को फोन लगाया। ओ हैदर, कहाँ है तू, काम है यार तुझसे एक। मुझसे? क्यों इतना निकम्मा समझता है तू खुद को, जो किसी को तुझसे काम नहीं हो सकता। अच्छा हुन चवल मार ली है तो काम भी दास देओ पाए जाने। हैदर आ गया था। रजब ने हैदर को गाड़ी में बिठाया। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू स्टोरी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मेरे भाई मेरी बहनें मेरे अंकल मेरी आंटियां मेरे भांजे मेरे भतीजे सब ठीक होंगे। तो सीन कुछ यूं है कि आपके भाई के सर पे किसी अंधे ने बॉल मार दी है, अब उसी अंधे को मजा चखाना है ताकि उसको आइंदा ठीक से नजर आए। तो चलो तो शुरू करते हैं हम अपना प्लान। रजब और हैदर डक्की के घर के बाहर पहुँच गए थे। यार हैदर, जल्दी जल्दी हाथ चलाने हैं, डक्की भाई के घर से बाहर आने से पहले काम खत्म करना है। घर के अंदर बैठे डक्की भाई असद को कह रहे थे, अबे यार तू मुझे ऐसे ही वहाँ से ले गए यार, उस बंदर को सबक सिखाने का बहुत अच्छा मौका था भाई। टेंशन क्यों लेते हो यार, अब सिखा देते हैं सबक। अरे हैदर यार, फटाफट हाथ चलाओ, मुझे लगता है वो बाहर आने वाले हैं। तो सीन कुछ यूं है कि हमने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, सारा जाल हमने बिछा दिया है और डक्की भाई के घर से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग अपना काम खत्म कर चुके थे। इमला जी, क्या हाल है जी सबके। आए हाय 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 हाय, आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है भाई। रजब भट्ट ने आपके भाई के साथ बदतमीजी की है, लेकिन फिक्र ना करें, आपके भाई ने भी उससे बदला लेने का सोच लिया है। कैमरा ऑफ करके रखने के बाद डक्की भाई और असद घर से बाहर निकल आए थे। डक्की भाई ने पहला कदम अभी बाहर रखा ही था कि फिसल कर वो जा गिरे। हैं? बारिश तो हुई नहीं, ये कीचड़ कहाँ से आ गया। असद डक्की भाई को उठाने आगे बढ़ा ही था कि खुद भी गिर गया। अबे
कमीने, वो अपनी कार्रवाई डाल चुके हैं भाई और हम सोचते ही रह गए। डक्की भाई अभी उठकर खड़े हुए ही थे कि फिर नीचे जा गिरे। रजब और हैदर भी वहाँ आ गए थे। अब पता लगा बट से पंगा नहीं लेते, पहले भी तुझ पर कीचड़ उछाला था, आज फिर तुझे कीचड़ में नहला दिया। ओए स्त्री के मुंह वाले, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटा पहले तू यहाँ से तो निकल, फिर मुझे ना छोड़ना भले। इन लोगों की बहसबाजी चल ही रही थी कि अर्शद साहब वहाँ से गुजर रहे थे कि ये सूरत हाल देख कर रुक गए। अबे यार, यहाँ से निकलने का कोई सीन नजर नहीं आ रहा मुझे तो। मुझे लगता है इनकी लड़ाई का सीन चल रहा है। अर्शद साहब थोड़ा आगे आए और बोले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अर्शद साहब ने आगे बढ़कर डक्की और असद को कीचड़ से बाहर निकाला, जबकि हैदर और रजब घबरा गए थे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे कुछ कुछ तो समझ आ गया है कि आप लोगों का झगड़ा चल रहा है। मजीद हैदर तुम मुझे बताओगे। मैं? क्यों, तुम गूंगे हो क्या? हैदर ने सारी बात अर्शद साहब को बता दी, जिसे सुनने के बाद वो बोले, देखो बच्चों, लड़ाई करना बहुत बुरी बात है और लड़ने झगड़ने वाले को अल्लाह भी पसंद नहीं करता। चलो अब मेरे कहने पे गुस्सा खत्म करके सुलह करो आप लोग। लेकिन अर्शद साहब, इस मोटे टिट वाले ने मुझे बॉल मारी थी। लगता है तुम्हारी वालदा से बात करनी पड़ेगी, फिर वो जाने और तुम जानो। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मामा जी को बीच में किधर ला रहे हैं आप? चलो डक्की और रजब, आप दोनों अपनी लड़ाई यहीं पे खत्म करो और जिप्पी डालो। डक्की भाई के कपड़े गंदे थे, वो बोला, आए हाय 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 बट आजा गले लग जा मेरे यार। डक्की तेरे कपड़े गंदे हैं, दूर रह। ओए आजा बट मेरे यार, मेरे गले लग जा यार, आए हाय 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 हाय। रजब बट ने कपड़े बचाने के लिए वहाँ से दौड़ लगा दी और डक्की भाई भी उसके पीछे पीछे। ये दोनों भी ना बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे पता है इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार भी है।